रोजाना गवर्नमेंट गिरा के सोते हैं, इफ्तखार साहब को दुनिया के मामलात और नजर नहीं आते, आवाम के इशू इनको नजर नहीं आते, उस पर ये प्रोग्राम नहीं करते, महंगाई पे ये प्रोग्राम नहीं करते, अपोजिशन की निशानदेही पे ये प्रोग्राम नहीं करते, अपोजिशन का रोल नहीं दिखाते, और ये हुकूमत रोजाना सुबह रात को गिरा के सोते हैं और सुबह देखते हैं फिर वही हुकूमत। ठीक है, ठीक, समझ गया आपका सवाल। सलमान साहब, जी सलमान साहब, मेरी आसमा शिराजी साहब से ये दरखास्त है, इनके बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं, इनको कहिए कि खुदारा एक प्रोग्राम ये लिहारी में भी करें, एक प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में करें, जहाँ के लोग सैलाब गर्दान अभी तक मुतासिर। ठीक है, ठीक है मंजूर साहब, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमें कॉल्स क्योंकि और भी मसाइल लेनी है, तो किया है लियारी में प्रोग्राम। जी आसमा, सही जी, लियारी में हमने मंजूर साहब प्रोग्राम किया है, और हमने अयासुमू चौक से किया था, और पहला पब्लिक शो वहां से किया, राजनपुर भी हम जाएंगे और आपकी आवाज हम हैं बनेंगे। लेकिन ये है कि बहुत सारे आपने जो तनकीद की है ना, आपने सबको एक जगह खड़ा कर दिया है, इफ्तिखार साहब या बहुत सारे और दीगर ऐसे दोस्त या हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने सहाफत के अंदर रहते हुए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो खुदारा सबको आजकल प्रोग्राम कर ही रहे हैं, वो तो है ही, आवामी इश्यूज के ऊपर है वो, तो अगर मंजूर साहब उस प्रोग्राम से वाकिफ नहीं है तो हम इसमें हमारा कसूर भी नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें हमारे उन्होंने कहा है कि, लेकिन सलमान साहब मतलब मैं सवाल ऐड ये कर दूं कि क्या ये ठीक है कि रोजाना इस तरह के तबसरे तजिए देना कि जिसमें हुकूमत गिराई जा रही हो या मायूसी फैलाई जा रही हो, क्योंकि एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा शायद मैं ऐसा नहीं कहता और ना मैं ऐसा तजिया करता हूं और ना मैं हुकूमत को गिराने का हामी हूं, मैं हुकूमत को उसके आईनी मुद्दत पूरी करने, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। और दूसरी बात है कि ये हमारी बदकिस्मती है कि वो प्रोग्राम नहीं देख रहे, असल में बॉल टू बॉल कमेंट्री का प्रोग्राम देखा जाता है, हम लोग सारे के सारे दूसरे के ऐप को जानना चाहते हैं, ये हमारी सोसाइटी का एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है, हमें ऐप दूसरों के नजर आए तो हमें बड़ा मजा आता है, दूसरों के कपड़े उतर रहे हो हम बड़ा इंजॉय करते हैं, दूसरों की बदखोई करते हुए बड़ा खुश होते हैं, ये एक हमें एक पूरी की पूरी कौम को अल्लाह जाने क्या हो गया है। अच्छाई की तरफ कह रहे हैं, शुरू में तो ये हुआ कि क्योंकि लोग सियासतदानों से बदजन थे, जब ये हुकूमतें आई मीडिया ने जिस तरह तरक्की की है, तो शुरू में तो सियासतदानों से बदजन हुए, उसके बाद जब ये टॉक शोज शुरू हुए, उन टॉक शोज में सियासतदान अपने आप को सही से डिफेंड नहीं कर सके, अपनी पोजीशन को क्लियर नहीं कर सके, तो कसूरवार जो है वो फिर अब मीडिया को ठहराना शुरू कर दिया कि जी इन टॉक शोज का क्या फायदा जब इसमें कोई हल नहीं निकलता, तो इस वजह से फिर अब जो सहाफी सीनियर सहाफी जो एंकर्स हैं उनके खिलाफ बाकायदा एक मुहिम चलाना कि जी ये फलां के एजेंडे पर है, ये इनका जो है ये इस तरह का सिलसिला है, इनके बैक पे कोई है, तो और इसके अलावा नेगेटिविटी फैलाना। अगर आप मुझे इजाजत दें मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं आज के आपके इस प्रोग्राम से जो लोग भी देख रहे हैं उनको एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान में तब्दीली ना तो मैं लाऊंगा, ना आसमान लाएगी, ना कोई एंकर लाएगा, पाकिस्तान में तब्दीली पाकिस्तान के आवाम लाएंगे, और ये हो नहीं सकता कि अगर पाकिस्तान के आवाम 50,000 की तादाद में किसी चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं तो हम एंकर उसको इग्नोर कर सकें, ये नामुमकिन है कि अगर पाकिस्तान के आवाम लाखों की तादाद में सड़कों पर आकर को मुतालबा कर रहे हैं तो कोई एंकर भी उस मुतालबे की हमायत या उस मुतालबे के ऊपर बात किए बगैर रह नहीं सकता, उसका प्रोग्राम नहीं चल सकता, वो टेलीविजन नहीं चल सकता जो आवाम की बात नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम आपको एक बार फिर बता दें कि अगर हमारे नाज़रीन इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 02137082902132270832। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होइए। जावेद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, इसके बाद फिर हमें ब्रेक पे भी जाना है, कि क्या आपको लगता है कि हम यानी कि मीडिया जो है वो जो जिन मसाइल पर हम बात कर रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ का एक सिनेरियो बहुत ज़्यादा अब आम हो गया है, आपने जाहिर है एक प्रिंट मीडिया में, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका एक टाइम आपने गुजारा, ब्रेकिंग न्यूज़ हम इंटरनेशनल चैनल्स में इतनी नहीं देखते जितनी अब पाकिस्तान में है, कि हर बुलेटिन में 1, 2, 3, 4 ब्रेकिंग न्यूज़, और अगर कोई मसला हो जाए तो फिर उसके बाद वही बात जो इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि रनिंग कमेंट्री, अब उस पर यह भी डिपेंड करता है कि एंकर कौन बैठा है, अगर एक एंकर जिसकी उम्र जो है वो 30 या 35 साल से कम है, उसका तजर्बा भी जाहिर है कम है, उसको कमेंट्री क्या करनी है, अब जो डायरेक्टर है या जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ न्यूज़ है, वो तो चाहता है कि बस उसके चैनल पर फुटेज चलती रहे और जो है ना वो आवाम को खबर मिलती रहे, लेकिन क्या वो खबर दी जा रही होती है उस अंदाज से, अगर हम इन नुकतों को भी ध्यान में रखें। सलमान, ब्रेकिंग न्यूज़ सिचुएशन पर बात करते हैं, जो इफ्तिखार साहब ने जो हमारे उस्ताद भी हैं, हमें काम सिखाया, और बिल्कुल उन्होंने कॉन्टेंट का इशू उठाया, वो ये कह रहे हैं कि लोग वो देखते हैं, मेरा सवाल ये है कि क्या हमें
अवाम की राय के पीछे जाना चाहिए या अवाम को अपनी राय के पीछे लेके जाना चाहिए। ये बहस प्रिंट मीडिया के जमाने से, किसको मोल्ड करे, प्रिंट मीडिया के ज़माने से ये बहस है और इफ्तिखार साहब उसी ज़माने से हमारे उस्ताद हैं, तो ये बहस होती रही है। इफ्तिखार साहब के ये जो सूरत हाल है कि एक स्कैंडल छापें फ्रंट पेज पर या नहीं छापें, जब दोपहर के उर्दू अखबार आए थे, ये बहुत बहस कॉमन हुई थी और बहुत ज़्यादा बहस में शिद्दत आ गई थी कि क्या वो सब कुछ छापा जा सकता है जो लोग पढ़ना चाहते हैं या वो छापें जो हम पढ़वाना चाहते हैं। इस बहस को अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तनाजुर में देख लें तो आज यही बहस मुझे लगता है कंटिन्यूड है, क्योंकि उसमें जो सिलसिला उस वक्त था कि नहीं, गलत को नहीं दिखाया जा सकता, उसको नहीं लेके जा सकते, पब्लिक नहीं किया जा सकता, और ओपिनियन बिल्डर कौन है, ओपिनियन बिल्डर मीडिया हाउसेज हैं, ओपिनियन बिल्डर ओपिनियन लीडर्स हैं, वो बनाएंगे और वो लोगों को कहेंगे कि आप ये अच्छी चीज़ पढ़ सकते हैं, ये अच्छी चीज़ देख सकते हैं। तो ये फैसला क्या लोग करेंगे इफ्तिखार साहब, या व्यूअर करेगा, रीडर करेगा, या मीडिया हाउस करेगा? टेलीविजन में व्यूअर करेगा और आवाम करेंगे। अब दूसरा सवाल यहाँ से ये है इफ्तिखार साहब कि क्या एंकर अपनी मर्ज़ी से अपना टॉपिक सजेस्ट करता है, चूज़ करता है, अपनी मर्ज़ी से गेस्ट बुलाता है, अपनी मर्ज़ी से लोगों को फ़ोन करता है, अपनी मर्ज़ी से लोगों के बीपर्स लेता है? ये एक सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, एंकर अपनी मर्ज़ी करता है, अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करता है, अपनी मर्ज़ी से अपने गेस्ट को बुलाता है। कम अज़ कम मुझे इतने साल हो गए हैं टेलीविज़न पर काम करते हुए, मैं बहुत वाज़ह तौर पर ये कहना चाहता हूँ, आज तक मुझे मेरे मामलों में माँ सवाए चंद असूली बातों के जो तयन है, जिसका कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, इस्लाम के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, फ़िरकावारियत को हवा नहीं देनी और किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के खिलाफ कोई कंपेन का हिस्सा नहीं बनना, ये मुझे पर ये चार पाबंदियां हैं। इसके अलावा आज तक मुझे ये नहीं कहा गया कि आप ए को बुलाओ और बी को बुलाओ और सी को बुलाओ, ऐसा नहीं है। असल में ये आप, मैं चूँकि एक प्रॉब्लम है, आप सही कह रहे हैं कि जो प्रिंट मीडिया में बहस आई कि जो दोपहर के अखबार हैं जो शह सुर्खियाँ बना के बेचते थे, छोटी सी बात को शह सुर्खी बनाते थे, क्या उनको फ़रोख करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो आपको शायद याद हो कराची में इस मामले पे एक इतफाक राय भी पाया गया था, काफ़ी हद तक पाबंदी भी लगी थी दोपहर के उन अखबार पे। वहाँ पे उस वक्त प्रिंट मीडिया में तो ये आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रॉब्लम यह है कि ये लम्हा, जैसा मैंने कहा ना, बॉल टू बॉल कमेंट्री होती है। वहाँ पर जहाँ मैं इसको बुरा समझता हूँ, वहाँ पर एक मुश्किल भी है जो आसमान जिसकी निशानदेही कर रही है कि 24 घंटे जो आपको टेलीविज़न चलाना है और इसमें आपको न्यूज़ देनी है, 4 दफ़ा आपको ताज़ा न्यूज़ देनी है। अगर आपके पास न्यूज़ नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर आप न्यूज़ ढूंढ रहे हैं और न्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। यहाँ तो ना कि लोग चैनल्स को बंद कर दें, और अगर वो जब चैनल बंद हो तो हमें पता लग जाएगा कि रेटिंग मीटर्स जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे रेटिंग मीटर्स हमें बता देंगे कि यहाँ पे मुझे इजाजत दीजिए। यहाँ एक कॉलर है हमारे साथ काफी देर से, मुजफ्फराबाद से है नूर हसन, उनका सवाल भी ले लेते हैं फिर आप। जी नूर साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी सलमान भाई, इस वक्त तो आपके साथी भी बैठे हुए हैं, मेरा तो सवाल आपसे ये है कि वो मेरा खुद भी तालुक एक मीडिया से है। इस वक्त जो हुकूमत मीडिया पे तनकीद कर रही है कि मीडिया ये कर रही है वो कर रही है, जिसमें सच बोलना भी गुनाह है और सच लिखना भी गुनाह है। अभी इससे सबसे बड़ा सवाल तो आपके यहाँ काची में लगातार 3 और उसका जो है ना, आपकी आवाज़ साफ नहीं है, लाइन भी ड्रॉप हो गई है, सवाल हम सही से सुन नहीं पाए, लेकिन बहरहाल वो जो हम बात कर रहे थे कि जी जी आसमा जी कहिए। सलमान, एक छोटी सी बात, मैं बिल्कुल जो बात जाफर भाई ने कही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या हम ओपिनियन मेकिंग कर रहे हैं या ओपिनियन फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है। और मैं हमेशा कहती हूँ, शायद मैं थोड़ी सी बायस्ड भी हो गई हूँ, लेकिन अब जो जर्नलिज्म का हाल है उसमें हमें थोड़ा सा बायस्ड भी होना पड़ेगा, कि जो जर्नलिस्ट एंकर्स हैं और जो खाली एंकर्स हैं उनमें अब बड़ा फ़र्क हो गया है। जो ओपिनियन फॉलो कर रहे हैं वो ओपिनियन मेकिंग नहीं कर रहे, और जो ओपिनियन मेकिंग करना चाहते हैं उनके आड़े बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, और इफ्तिखार साहब उससे बहुत बेहतर आगाह होंगे और इनको इल्म होगा इन सारी चीज़ों का कि हम शोबदाबाजी कहाँ लेके आ रहे हैं और कहाँ नहीं लेके आ पा। लेकिन आपने जो है थोड़ा सा क्योंकि डिफ्रेंशिएट किया है, जर्नलिस्ट एंकर्स आपने अलग किए और जो नॉन जर्नलिस्ट एंकर्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कहीं हम बाहर नहीं जाते, मेरी एग्जांपल आपके सामने है कि मैं पिछले 7-8 साल से इस शोबे से वाबस्ता हूँ, लेकिन मैं पहले जर्नलिज्म में नहीं था, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने जो अपना मास्टर्स है वो इसी फील्ड में किया, ताकि मैं अपने आप को प्रूव भी कर सकूँ कि मुझे कुछ आता है, मुझे कुछ मालूम है। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने ज़ाहिर है अपना जो एक स्टार्ट किया, जैसे जाफर साहब हैं कि प्रिंट मीडिया से वाबस्ता रहे, इफ्तिखार अहमद साहब हैं कि एक यानी कि इन्होंने टाइम गुजारा और उसके बाद वो अब टेलीविज़न जब आया तो उसके ऊपर फिर वो टेलीविज़न के ऊपर एंकरिंग करने लगे, तो ये जो डिफरेंस है इसको
क्रिएट किसने किया, इसको तो चैनल्स के मालिकान ने किया, इसको जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने किया ना, उन्होंने खुद इंटरव्यूज़ किए, उन्होंने खुद बिठाया, उन्होंने कहा जी आप एंकर बन जाइए, आपसे खबरें पढ़वाते हैं, जब कुछ अरसे आप खबरें पढ़ने में माहिर हो गए उसके बाद जो है वो आप तबसरे भी करना शुरू कर दीजिए। और रनिंग कॉमेंट्री की जहाँ तक बात है, जाहिर है जब आपके पास सिर्फ फुटेज चल रही होगी और आपसे कहा जा रहा होगा कि आपने मुसलसल इसके ऊपर बोलना है, क्या करेंगे, क्या ऑप्शन है आपके पास? नहीं बिल्कुल सलमान, बहुत बड़े बड़े नाम जो इस वक्त हैं और वो बड़े कामयाब एंकर हैं, मैं कोई उनके खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, बट वो एंकर्स हैं सिर्फ, जर्नलिस्ट एंकर्स जो आप कह रहे हैं, तमीज़ का मतलब जो जर्नलिस्ट है वो सोचेगा कंटेंट को और वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा। हमारा अलमिया ये हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी आ गए इसमें कि जो सिर्फ एंकर्स हैं, लेकिन और होता है पूरी दुनिया में, जर्नलिस्ट एंकर्स अलग हैं, एंकर्स अलग हैं, वो लोग जो कि अब क्रिस्टीना अमानपुर अगर प्रोग्राम कर रही हैं, उसने फील्ड में इतने साल गुजारे हैं, उसके बाद वो प्रोग्राम एंकर बनी है। सो आप ये देखिए कि फील्ड में बेशक आप 7 साल से हों, 8 साल से हों, आप पढ़ते हैं, आप फील्ड में गए हैं, आपने काम किया, आपको पता है, आपको SOT बनानी आती है, आपको वॉइस ओवर बनानी आती है, आपको पता है कि आपने हेडलाइन कौन सी निकाली है, आप शर्त लगवा लीजिए, मैं कोई वो बात नहीं कर रही, मगर बहुत सारे एंकर्स को आप बिठा दें इम्तिहानगाह में, इफ्तिखार साहब से कहें टेस्ट ले लें, किसी को अगर हेडलाइन बनानी आ जाए, खबर निकालनी आ जाए, उसके अंदर OCVO शॉर्ट निकालनी आ जाए, तो मैं आपको मान जाऊंगी। ये बहुत ही एक आसान सी बात है, ये होता है जर्नलिस्ट जिसने कि फील्ड में काम किया है, जिसको पता है कि फील्ड के अंदर किस तरह से काम करते हैं, भले वो प्रिंट से ब्रेक हमें लेनी है, हमें ब्रेक लेना है, टॉपिक बड़ा यानी कि जो है वो आहिस्ता से गर्म होता जा रहा है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम दोबारा इसी मौजू पे बात करेंगे। वेलकम बैक, हम बात कर रहे हैं कि मीडिया आवाम और हुकूमत की तवक्कात पर पूरा उतर रहा है या नहीं, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब जाफर रिजवी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, इसके अलावा इफ्तिखार अहमद साहब हैं, पाकिस्तान के बड़े मीडिया ग्रुप से वाबस्ता हैं, और इसके अलावा आसमा शिराजी जो कि समा के प्रोग्राम फैसला आपका की मेज़बान भी हैं। आप तीनों का जो है वो हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। कॉल पहले एक ले लेते हैं फिर गुफ्तगु आगे बढ़ाएंगे। कश्मीर से शब्बीर साहब हैं हमारे साथ, जनाब शब्बीर साहब क्या कहेंगे? सर हमारा आसमा साहब से ये सवाल है कि ये 3.5 साल में जो पीपल्स पार्टी ने अच्छे काम किए हैं उसको तो मीडिया पे आने चाहिए, उसका तो जिक्र नहीं, सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां करते रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ऐसा सलमान साहब जी, आसमा जी, सलमान ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि जब भी हम सिंध में गए हैं या सिंध से करीब गए हैं या साउथ पंजाब में गए हैं, ये लोग हमें फेसबुक पे भी ये पूछते हैं और वहाँ पे लोग हमसे पूछते हैं कि पीपल्स पार्टी ने क्या 3 सालों में कोई अच्छा काम नहीं किया 3.5 सालों में। हम देखिए हमारा हम उनकी अच्छाई तो बयान करते हैं लेकिन हम कोई दरबारी नहीं है, हमारा काम सनाखानी नहीं है, हम तो तनकीद करते हैं लेकिन तनकीद में से तामीर निकालते हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक अहम बात यह है, एक अहम बात यह भी है कि जब आप 10 अच्छे काम करते हैं तो वो कोई उस पर इतना आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलती जितना अगर आप एक गलत काम कर देंगे उस पर आप पे जो तनकीद होगी। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात यह है कि देखिए जब 18वीं तरमीम हुई हमने जी भर के इस हुकूमत की तारीफ की और उससे पहले जितने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए इकदाम हुए हैं अगर 2-4 और 2-4 ही हुए हैं हमने उस पर बात की है। एक बात बिल्कुल इनकी दुरुस्त है कि रूरल एरियाज में बहुत इनकलाब है, वहाँ पे लोगों के हालात ज़िंदगी वैसे नहीं है जैसे कि अर्बन एरियाज के अंदर हैं और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम भी बहुत किया है, शायद उनका वोट बैंक था लेकिन चले जैसे किया तैसे किया मगर किया है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और अक्सर अपने प्रोग्रामों में हम ये बात लेके आते हैं सामने। अलबत्ता ये बात कहना कि हर वक्त हम सनाखानी करें ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारा काम ये है नहीं पूरी दुनिया में, और वैसे भी कहा जाता है गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़, सो हम ठीक है हम गुड न्यूज़ को नो न्यूज़ नहीं बनाते, ये रियासत का चौथा सुतून है। देखिए हम बार बार ये तो कहते हैं कि जो 3 सुतून हैं ठीक है, अदलिया, मुकन्नना और इंतजामिया, ये तो आपस में मिलजुल के रहे हैं लेकिन जो चौथा सुतून है वो टांग तोड़ने में लगा रहता है, ये थोड़ा सा गलत नहीं है आपके ख्याल में?